नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफर कैसे कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, इसके लिए इसके ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। जब आप इसको ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इसका ऑफिशियल डेस्कटॉप देखने के लिए मिल जाएगा। इसको पहले रजिस्टर करना होता है, तो आप कैसे रजिस्टर कीजिएगा, तो हम इस टॉपिक पर पहले से वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर के देख करके आप इसको रजिस्टर करके उसके बाद यहाँ से आपका लॉगिन पिन जो भी बनाएंगे एम पिन डाल करके इसमें लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ से हम लॉगिन इसमें कर लेते हैं। लॉगिन जब कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपके अकाउंट में जो भी आपका नाम होगा वो ऊपर में देखने के लिए मिल जाएगा, और आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस देखने के लिए मिल जाएगा। आप अभी यहाँ देख पाएंगे मेरे अकाउंट में बैलेंस भरा हुआ है। मनी ट्रांसफर करने के लिए देखिए, आपको सबसे ऊपर में ऑप्शन मिल जाएगा सेंड मनी की, फिर आपको इसी के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने बहुत प्रकार के ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अदर बैंक में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सबसे ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे मान लीजिए आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से एयरटेल पेमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा किसी भी बैंक में पैसे भेज रहे हैं, आपको इसी के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपको अपना बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। देखिए सेंड टू न्यू बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करके, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा उसके बाद देखिए आपके सामने तीन ऑप्शन मिल जाएगा। आप इन तीन ऑप्शन के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन के बारे में सिलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी कोड के ऊपर। चलिए इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से सबसे ऊपर में आपको डालना होगा उसका नाम जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं, अर्थात बेनिफिशियरी नेम। चलिए यहाँ से डाल लेते हैं, जैसे मेरा नाम नीतीश कुमार है, हम अपना नाम यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद उसका यहाँ आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर जिस भी बैंक में आप पैसा भेज रहे हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में पैसे भेजिएगा तो उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ डाल लेना होगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोबारा से वही अकाउंट नंबर आपको फिर से इंटर कर देना होगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर आपको देखिए नीचे मिल जाएगा ऑप्शन आईएफएससी कोड का, तो आपका आईएफएससी कोड आपके पासबुक पे देखने के लिए मिलेगा। आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा, यदि आप वहाँ से नहीं मिले तो फिर आपको देखिए सर्च आईएफएससी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी आप अपना आईएफएससी निकाल सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा पहले उस बैंक को यहाँ से उसका नाम सेलेक्ट कर लेना होगा। देखिए इंडिया के अंदर में जितने भी बैंक होंगे वो सारे बैंक का लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक था, तो हम यहाँ से एयरटेल पेमेंट बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए स्टेट टू स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे तो उस स्टेट को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर से ब्रांच का नाम आ जाएगा, तो आपको यहाँ से फिर अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद जो भी आपका आईएफएससी कोड होगा वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना होगा। यदि आईएफएससी कोड गलत हो जाए तो यहाँ से आप अपने पासबुक से देख करके उसको सही भी कर सकते हैं। जब अपना आईएफएससी कोड सही से इंटर कर जाएगा उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू की, फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने डेस्कटॉप देखने के लिए मिलेगा। देखिए आपको एक बार अपना सारी डिटेल चेक करूंगा, आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, उसके बाद कौन सा बैंक है, बैंक का नाम भी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे इंटर करूंगा कितना अमाउंट आप सेंड करना चाहते हैं, जितना भी आप सेंड करना चाहते हैं यहाँ इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए रिमार्क में आपको कुछ भी टाइप कर दूंगा या फिर बेनिफिशियरी का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे फिर से आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर से आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा मनी ट्रांसफर करने के लिए। सबसे ऊपर वाला देखिए आईएमपीएस, इसके माध्यम से यदि आप मनी ट्रांसफर कीजिएगा इंस्टेंट में उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा जिनको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं। लेकिन आप कम से कम यहाँ से 5 रुपया से अधिक 2 लाख तक पैसे भेज सकते हैं। यदि आप एनईएफटी के द्वारा मनी ट्रांसफर कीजिएगा तो जिस भी अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं उसमें 2 घंटे के बाद जाएगा। तो हम एनईएफटी के द्वारा यहाँ से मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, हम सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ से फिर से कन्फर्म पर क्लिक करूँगा अपना सारा डिटेल चेक करने के बाद। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ को इंटर करने के लिए कहा जाएगा। उस ओटीपी को जब आप यहाँ से इंटर कर देगा तो आपका पैसा सक्सेसफुली चला जाएगा। देखिए ओटीपी आ चुका है, हम अपना ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा यहाँ से आपका मनी ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। आप अभी यहाँ पर देखिए क्या है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। आप इस प्रकार से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको आगे भी इस चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेगी।